अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सर, इन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन, उसके बाद ऑल ऑप्शन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया वीजा के हवाले से और साथ साथ सब ब्लॉग्स भी शेयर करूंगा, सारी वीडियोज जो है आप तक पहुँच सके। सर, जो आज की वीडियो है आपके साथ मैंने शेयर करना है एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी भी कंट्री से हैं, बहुत सारे मुझे टेक्स्ट आ रहे थे कि भाई अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो प्लीज़ ये इसके बारे में वीडियो बना देना। आप लोगों को नीचे टाइटल देख लिया होगा कि मैंने आज आपके साथ शेयर करना है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, कि जिसमें आप लोगों ने कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी आप लोगों ने सबमिट करने हैं जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने पहले भी वीडियोज़ दी थी लेकिन वो 2021 के हवाले से थी, 2022 के, लेकिन अभी जो आपके साथ शेयर करूँगा 2023 के जो नेक्स्ट इंटेक आ रहा है सितंबर नवंबर इंटेक के हवाले से, कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करने लगे हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग जब स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, सबसे पहले जो मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपके जो फर्स्ट पॉइंट पर आ जाता है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में अब आप के कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके जो मैट्रिक, जिसको हम टेंथ बोलते हैं, उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट होता है, और उसके बाद अगर आप लोग के पास जो ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्वेल्थ की जो मार्कशीट है जिसको हम FSC भी बोलते हैं, और उसके बाद बैचलर्स का, अगर आप लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो FSC का आपके पास जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर आप लोग बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो बैचलर्स तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो डिग्री आपके पास सर्टिफिकेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बता दिया, मैट्रिक हो गया, FSC हो गया, और उसके बाद बैचलर्स के लिए अगर आप लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो इनके सर्टिफिकेट लगेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है स्टेप बाय स्टेप, मैं इसलिए आपको स्लो बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बता दिया, उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है हमारा जो IELTS और PTE जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि आप सबको पता है ऑस्ट्रेलिया के लिए हमें या IELTS देना पड़ेगा या PTE। तो IELTS में आप लोग को मैक्सिमम, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लोग सबसे पहले तो कोशिश रखें, ये आप लोग माइंड में रखें कि आप लोग 7 बैंड्स तक लें। अगर आप लोग 7 लेंगे फिर 6.5 आएंगे, अगर आप लोग 7.5 तक टारगेट रखेंगे तो 7 बैंड्स तक आएंगे। इस तरह अगर आप लोग उससे अब लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग जितना मैक्सिमम आप लोग बैंड्स ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। और उसके बाद PTE में भी आपको मैंने बताया 60 अबव 58 प्लस, मतलब स्कोर होने चाहिए PTE में भी। और उसके बाद बाकी ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड नंबर पर हम आ जाते हैं, वो ये है हमारा ऑफर लेटर। ऑफर लेटर जब आप लोग देखें, ये चीज़ें आपके पास दोनों होंगी तो आप लोग ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज आप लोग को प्रोवाइड करेगा ऑफर लेटर, जिसमें आप लोग का फीस, हर चीज़, ट्यूशन फीस वगैरह सारे चीज़ें मतलब उसमें लिखी होती हैं स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर फोर्थ नंबर पर, वो है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। देखिए, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियोस में, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं हुआ था कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में हम क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं उनको। देखिए, ये आपका एक प्लस पॉइंट होता है जब आप लोग प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को मैंशन करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, किसी भी कंट्री के लिए स्टूडेंट वीज़ा में। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इसमें अपना घर भी मैंशन कर सकते हैं, और उसके बाद बाकी आपके अगर कोई लैंड वगैरह हो, अगर आपकी विलेज साइट पर हो, डिस्ट्रिक्ट साइट पर हो, या किसी भी मतलब आपके लैंड्स वगैरह कोई भी प्रॉपर्टी हो, मार्केट्स हो, घर हो, हर चीज़ आप लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद बाकी आप लोग इसमें ये नहीं कि ओरिजिनल उनको दे दें, मतलब जो आपके प्रॉपर्टी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं इसमें आप लोग कॉपी करके उनको, कॉपी वगैरह भी उसमें आप लोग ये सबमिट कर सकते हैं कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, ताकि उनको ये चीज़ लग सके कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं ये हर चीज़ को मतलब अफोर्ड भी कर सकता है और सारी चीज़ें मतलब उसको कोई मुश्किल वगैरह नहीं होगी। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। और उसके बाद हम आ जाते हैं बाकी FRC के। FRC के मुताबिक मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसका मतलब है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि सबसे पहले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहता हूं, जो कि नादरा से बनता है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो इंडियन स्टूडेंट्स है कि नादरा क्या होता है, ये मैं आपको बता दूँ, हम जिस तरीके से बोलते हैं ID कार्ड बोलते हैं हम, और आप लोग बोलते हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर इंडिया वाले जो होते हैं वो बोलते हैं आधार कार्ड। अब आप लोग जहाँ से आधार कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड वहाँ से आप लोग जो फैमिली जो FRC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी फुल फैमिली के बारे में मतलब आधार कार्ड वगैरह सारे जो फोटो कापीज वगैरह होती हैं वो भी अगर आप लोग सबमिट करना चाहें तो ये भी एक प्लस पॉइंट की तरफ आ जाता है। और उसके बाद बाकी जो एक और मेन चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि
उसके बाद पोलियो सर्टिफिकेट जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किसी भी आप लोग हॉस्पिटल से जाके अपना जो पोलियो सर्टिफिकेट है ये सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है, ये आप लोग स्किप कर सकते हैं इस पॉइंट को। और उसके बाद हम आ जाते हैं जो आपके जो आपको स्पॉन्स करना चाहता है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए, आपके फादर भी हो सकते हैं मदर भी हो सकते हैं, तो देखें उनका जो है आईडी कार्ड की जो आधार कार्ड जो है उनकी ये फोटोकॉपीज भी लगेंगी। और उसके बाद बाकी अगर किसी के जो फादर या मदर कोई भी किसी भी प्रोफेशन में एग्जैम्पली अगर आप लोग ले लें मेडिकल फील्ड में है डॉक्टर हैं तो ये भी एक प्लस पॉइंट की तरफ आ जाता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कोविड सिचुएशन की वजह से जो डॉक्टर्स की जो डिमांड्स वगैरह थी वो भी मतलब हाई एक लेवल पर इंक्रीज हो गई थी। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे जिनकी मेडिकल फील्ड से भी फैमिलीज थी उनको भी बहुत मतलब ज़्यादा चांसेस थे उनके भी वीज़ा आने के, और उनको वीज़ा आए भी हैं इस तरीके से। तो देखें अब ये मैंने आपको बता दिया है कि फादर की जो या मदर की आधार कार्ड की कॉपीज हो मतलब, और उसके बाद बाकी जो प्रोफेशन में है उसके मतलब कोई भी सर्टिफिकेट आप लोग वहाँ पर उनको उसमें मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी जो है लास्ट सिक्स मंथ की हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, लास्ट सिक्स मंथ की जो पे स्लिप होती है जो आपको स्पॉन्स करना चाहते हैं कि मतलब लास्ट सिक्स मंथ की जो सैलरी होती है, आपके फादर भी हो सकते हैं मदर या एल्डर सिस्टर होती हैं ब्रदर होते हैं, तो वो भी आप लोग इस चीज़ में आप लोगों ने मेंशन करने हैं ताकि उनको ये चीज़ का मतलब क्लियर हो जाए कि ये जो स्टूडेंट आ रहे हैं हमारे पास इसको पीछे बैकग्राउंड में सपोर्ट करने वाला भी है और उसके साथ इसकी फीस वगैरह कोई मसला उनको मतलब यहाँ पर आके पेश नहीं आएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और उसके बाद फिर जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उसके बाद आ जाते हैं हम बायोमेट्रिक की तरफ। बायोमेट्रिक में मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आगे इंशाल्लाह इसके बारे में वीडियोस भी आपको आपके साथ शेयर करूँगा क्लियर कि बायोमेट्रिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं और मेडिकल जब आप लोग देते हैं उसमें क्या होता है। देखिए बायोमेट्रिक होता है आपका, उसके बाद मतलब ये फोर फिंगर्स का आप लोग का बायोमेट्रिक लिया जाता है, और उसके बाद फिर ये जो दो थंब्स हैं इसका आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है। तो ये बायोमेट्रिक का एक प्रोसेस होता है, उसमें कुछ आपसे मतलब फ़ोटो वगैरह ली जाती है इसमें। तो ये मैंने आपको बता दिया बायोमेट्रिक के बारे में। और उसके बाद बाकी आ जाते हैं मेडिकल की तरफ। मेडिकल में फिर आपका मेडिकल होता है, आपको चेक किया जाता है प्रॉपर तरीके से कि आपका कभी मतलब ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ या कोई भी इस तरीके से चीज़। तो एक बायोमेट्रिक के बाद मेडिकल हो गया। मेडिकल के बाद एक और आपको एक और बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी है, वो ये है कि आप लोगों ने सब ने अपना ईमेल अकाउंट बना लेना है। ईमेल अकाउंट का मेरा ये मकसद है कि जब आप लोग ईमेल अकाउंट बनाएंगे आपको कोई भी इस तरीके से मैसेज की तरफ से या कोई भी इस तरीके से मतलब न्यूज़ वगैरह होगी या कोई भी अपडेट होगी तो आपको ईमेल वो करेंगे, इस तरीके से आपको बताएंगे भी कि अगर आपका वीज़ा भी आ जाए तो उसमें आप लोग को मेल भी कर सकते हैं। तो ये ईमेल आईडी भी आप लोगों ने अपनी एक न्यू जीमेल आईडी बना लेनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया टोटल लाइन कॉस्ट इस तरह। और उसके बाद लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, वो ये है कि जब आप लोग अपने जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सारे मेंशन करेंगे उसके साथ आप लोगों ने 3-3 कॉपीज आप लोगों ने बना ली हैं अपने, एक्स्ट्रा उसके लिए भी बना ले लिए ताकि आपको आगे भी आने वाले टाइम में काम आ सकती है। तो मैंने आपके साथ एक शॉर्ट में सारा थोड़ा सा डिटेल बता दिया ताकि उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिनको कोई मसला ना हो, तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टूडेंट वीज़ा आप लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इंशाल्लाह जितना पॉसिबल होगा आप लोग को आंसर्स करूँगा। और आपको कोई भी मतलब क्वेश्चन होता है आप लोग मुझे बिना झिझक मतलब मुझे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह मुझे आंसर पता होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियोस किसके मतलब किसके रिलेटेड बनाऊँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि मेडिकल के बारे में बताएं, नर्सिंग के बारे में वीडियोस बनाएं, तो देखिए मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा सारी वीडियोस। लेकिन उससे पहले जो मेन एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मैं आपके साथ ये शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव सबसे पहले वीडियोज़ हों जो कि उनके लिए मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है वगैरह रखती है, मैं कहता हूँ जो कि स्टूडेंट वीज़ा है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। और बाकी नेक्स्ट इनटेक का भी आपको बता दिए कि उसमें भी चांसेस हैं, अगर आप लोग हर चीज़ एक पॉजिटिव तरीके से करेंगे लीगल तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह सबका वीज़ा भी आएगा। और उसके बाद बाकी बस लास्ट में यही कि बेस्ट ऑफ लक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करेंगे। तो बस आज की वीडियो आ सकती है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।